हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नेचर केयर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने लौंग को देखा होगा और शायद खाया भी होगा, पर एक छोटा सा लौंग कितना लाभकारी और उसके फ़ायदे कितने करिश्माई होते हैं शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर नहीं तो हमारे वीडियो को एंड तक देखें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए, हम आपको लेके चलते हैं लौंग के पेड़ के पास कि लौंग कैसे बनता है, कैसा होता है उसका पेड़ और क्या होते हैं उसके फ़ायदे। ये पेड़ नज़र आ रहा है, मैं आपको सभी को ना स्मेल वहाँ तक दिलाऊँ किसी से आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि कोई तोड़ेगा नहीं इस पेड़ से पत्ते। ये प्रैक्टिकली सभी लोग क्या चीज है, वेरी स्ट्रांग लॉन्ग सभी को सुनने देते पंच को तोड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे कब होती है, कैसे होती है, कहाँ होती है। से आपको बता दूँ ये क्या होता है, ये लौंग जो होता है यहाँ का वेरी इंटरेस्टिंग, आपको यहाँ के दिखाता हूँ और हम घर में यूज़ करते हैं वो कैसी होती है। ठीक है, एक्चुअली सीजन कब होता है इसका, जैसे मैंने आपको इलायची बताई थी ना सितंबर में होती है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये भी सितंबर में आता है लेकिन टिप पे आते हैं, ऊपर आते हैं। हमारे नॉर्मल पेड़ पौधे होते हैं उसमें पहले फूल आते हैं बाद में फ्रूट्स आते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, पहले लौंग लगी रहती है बाद में फूल आते हैं, तो फूलों के कलियों के आने से पहले आपको इसको निकाल देना है। अगर आप इसको नहीं निकालोगे तो वेस्ट माने जाते हैं, फूल बन जाते हैं। सो बिफोर द बर्ड ब्लूम से टू हार्वेस्ट देम, अगर नहीं बनोगे तो बर्ड नहीं तो फ्लावर बर्ड बन जाएगा। सो ये पहले क्या होता है, हम लोग जो घर पे काफी मेला यहाँ पे घर पे यूज करते हैं, पहले ये ग्रीन आती है बाद में ब्राउन होती है, हम लोग घर पे यूज करते हैं ना काली वाली होती है, ऐसे इतनी चॉकलेटी नहीं होती। तो दोस्तों, ऐसे ही नई नई चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल नेचर केयर से जुड़े रहे और साथ ही हमारे चैनल नेचर केयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।